अस्सलामुअलैकुम। हम हफ्ते के 3 दिन आंगनवाड़ी में छोटे ग्रुप में बच्चों के साथ सरगर्मियाँ करेंगे। पीर, बुध और जुम्मा के दिन 45 मिनट की सरगर्मियाँ होंगी, जिसमें हाजिरी, नज़रसानी या दोहराना, बच्चों के गाने, कहानी, अदद हुर्फ पढ़ना और होमवर्क होगा। अब हम बच्चों के साथ हफ्ते में 3 दिन कौन कौन सी सरगर्मियाँ करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं पीर के रोज की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में। हाजरी, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर यस मैम बोलने के लिए मालूमात दें। अब बच्चों को मुर्गे की चाल चलाकर बांग देने की सरगर्मी करवाएं। इसके बाद पिछले जुमा को हमने कौन सी सरगर्मियां की थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें। इसके बाद बच्चों को हुर्फों के कार्ड उठाने के लिए कहें। अब उस हुर्फ से शुरू होने वाले 2 अल्फाज बोलने के लिए कहें। इसके बाद धोबी आया, बच्चों के इस गाने को बच्चों को करवाएं। अब कागज से हवाई जहाज बनाना सिखाएं। इसके बाद अल्फाज पढ़ने की सरगर्मी करवाएं। आखिर में बच्चों का होमवर्क चेक करें। बुध के रोज की जाने वाली सरगर्मियाँ। हाजरी, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर प्रेजेंट मैम बोलने के लिए मालूमात दें। अब बच्चों को वर्जिश करवाएं। इसके बाद पीर को हमने कौन सी सरगर्मियाँ की थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें। इसके बाद दस्तियाब चीजें लेकर 1 से 9 चीजों की तफरीक करना सिखाएं। अब बच्चों को प्रथम बुक्स, खेल खेल में कहानी या दस्तियाब किताब की कहानी सुनाएं और सवाल पूछें, जैसे कहानी का नाम कहाँ लिखा है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है वगैरह। इसके बाद बच्चों को टप टप टपक कहानी सुनाएं। कहानी कैसी लगी, कहानी पर मुबनी आसान और मुश्किल सवाल भी पूछें। इसके बाद बच्चों को कहानी के मुताबिक तस्वीर बनाने के लिए हौसला अफजाई करें। बच्चे ने कौन सी तस्वीर बनाई है जरूर पूछें। बाद में चीजों की मदद से पैटर्न बनाने की सरगर्मी कराएं। इसके बाद बच्चों को अदद पढ़ने की सरगर्मी करवाएं। आखिर में आपके घर में कितनी ऐसी चीजें हैं जो दायरा नुमा है, जिसकी शक्ल दायरे जैसी है, उसके नाम याद करके आने का होमवर्क दें। जुमा के रोज की जाने वाली सरगर्मियाँ। हाजरी, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए मालूमात दें। इसके बाद बच्चों को आंखों को हरकत करने की सरगर्मी करवाएं, जैसे बच्चों को आंखें टपटपाने के लिए कहें। अब आंखों को गोल गोल घुमाने के लिए कहें। अब बुध को हमने कौन सी सरगर्मियां की थी उसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें। इसके बाद बच्चों के साथ बातचीत करें, जैसे छुट्टियों में आप क्या क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो, कैसे जाते हो वगैरह। अब बच्चों को बच्चों सड़क पार जब जाना इस गाने को करवाएं। इसके बाद दस्तयाब पजल या कागज पर तस्वीर बनाकर उन्हें 4 टुकड़ों में काटकर पजल लगाना सिखाएं। इसके बाद बच्चों को अल्फाज पढ़ने की सरगर्मी करवाएं। आखिर में बच्चों का होमवर्क चेक करें। बच्चों के साथ की गई सरगर्मियों के तजुर्बात हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।